हेलो। ओके सो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं री एनालिसिस। उसमें आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम आज काउंटेबल सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, और ये सारा सिलेबस है जो अपना CSIR नेट JRF और IIT JEE के एग्जाम में आता है, और गेट के एग्जाम में आता है मैथमेटिकल साइंस में। ओके सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर। क्या है काउंटेबल सेट? काउंटेबल सेट बेसिकली क्या होते हैं? काउंटेबल वो हैं जिनको काउंट कर सकते हैं, जो काउंट करने के लिए एलिजिबल है, काउंटेबल। ठीक है, सो ये तो फाइनाइट सेट हो सकते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट तो यही होगा जो आपको जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं, तो वो भी काउंटेबल है। एक काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसे सेट जिनकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ वन वन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है। कोई भी सेट है, अगर आप कोई भी सेट है उसकी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में आप वन वन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करा पाए हैं, तो हम कहेंगे कि वो काउंटेबल सेट है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट के बारे में बात कर लें। काउंटेबल सेट तो बताइए, जो फाइनाइट सेट होते हैं वो सब काउंटेबल सेट होते हैं, लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होते हैं उसको हम यहाँ पर एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट क्या मतलब हो गया भाई? कोई भी सेट ए है, तो अगर वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में वन वन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है, मतलब कह सकते हैं कि इफ द सेट ए इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलर का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, कि जो वन वन एंड टू मैपिंग अगर एग्जिस्ट करती है दो सेट के बीच में, तो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। सो यू कैन राइट हेयर ओनली सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबल सेट, सेट टू बी काउंटेबली काउंटेबल सेट। ओके, और काउंटेबली काउंटेबल सेट तो सिंपल फाइनाइट को कह सकते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट लिख लेते हैं। सेट टू बी काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इफ इट इज सिमिलर टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कोई भी सेट है हमारे पास, अगर वो एन के साथ में सेट ए या सेट एस, जिसका डोमेन हमारा एन हो जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में जो वन वन मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए, वन वन ऑन टू मैपिंग, वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जिनको हम लेवल कर सकें, जिनका हम एक उनको काउंट करने के लिए एक उनका लेवल बना सकें। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की कोई बात करूँ, अगर हम पूछते हैं यहाँ पर कि एन क्रॉस एन इज काउंटेबल काउंटेबल और नॉट, एन क्रॉस एन, तो एन क्रॉस एन को काउंटेबल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस टाइप के एलिमेंट आएंगे भाई इसके अंदर? वन वन टाइप के आएंगे, वन वन, वन टू, वन थ्री, वन फोर एंड सो ऑन। सेकेंडली यहाँ पर आएगा टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर एंड सो ऑन। इसी तरह से थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर एंड सो ऑन। ऐसे आप आगे भी देख सकते हैं। ठीक है, लेवल करने का मतलब ये हो गया कि ये देखो इनका सम कितना है टू, इनका सम कितना है थ्री, इनका सम कितना है फोर, इनका सम कितना है फाइव एंड सो ऑन, इनका सम कितना है सिक्स, ऐसे आप देखते जाएंगे। तो क्या कर पा रहे हैं हम? ये सब जो लाइन ड्रॉ करके हम ऐसे जो क्रॉस लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इससे हम देख पा रहे हैं कि इन सभी एलिमेंट्स को हम एक लेबल दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमें वन टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे नंबर मिल रहे हैं। मतलब क्या है कि ये सेट काउंटेबल सेट है, क्योंकि ये लेबल कर पा रहे हैं हम इनको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में। और यू कैन से कि एन क्रॉस एन जो सेट है हमारा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में वन वन ऑन टू मैपिंग इसके एग्जिस्ट करती है। और यू आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एन क्रॉस एन जो है वो सिमिलर है एन के, तो ये हमारा काउंटेबल सेट हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है काउंटेबल सेट को समझने के लिए। तो अब एक चाहे तो इसमें एक छोटा सा नोट लगा सकते हैं समझने के लिए, अपने एक नोट यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, आइदर बाय डिफाइनिंग द बाइजेक्टिव मैपिंग ऑफ द गिवन सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और बाय लेवलिंग वी कैन शो द काउंटेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। सिंपल सी ये बात है। सो वी कैन राइट हेयर सिंपल
आइदर बाय डिफाइनिंग द बाइजेक्टिव बिटवीन कोई भी सेट ए मान लें एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इनके बीच में अगर बाइजेक्टिव मैपिंग मतलब वन वन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है, और बाय लेबलिंग, और बाय लेबलिंग अगर हम एक लेबलिंग लेबल कर देते हैं उनको, सो वी कैन शो ए इज countable infinite. ओके okay. एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और जेड दे आर सेट ऑफ इंटीजर जो होता है ये भी countable सेट, countable infinite सेट है क्योंकि n और z के बीच में हम एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, करते हैं, चलो मैपिंग डिफाइन करते हैं, मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं f ऑफ n इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं माइनस के n बाई टू, और यहाँ लिख देते हैं हम n माइनस वन बाई टू. ये तो हम तब ले लेते हैं जब n क्या है इवन है, और ये तब ले लेते हैं जब n क्या है ऑड है. अब देखेंगे, अब n ये जो स्मॉल वाला n है ये आ रहा है n से, कैपिटल n से नेचुरल नंबर से, एक एक वैल्यू लेते रहे पूरा का पूरा आपको सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएंगे, सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो n है वो सिमिलर है z के. यहाँ से क्या इंप्लाइज हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू द सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, आपको लग रहा होगा देखने में कि भाई ये अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये कि दोनों ही कार्डिनलिटी बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है. लेकिन आपको लग रहा होगा भाई कि नेचुरल नंबर में जितने होते हैं उससे दुगने होते हैं सेट ऑफ इंटीजर में, क्योंकि उसमें सारे नेगेटिव भी आ जाते हैं, नेचुरल में नेगेटिव नहीं आते. लेकिन नहीं, इनफाइनाइट सेट्स के केस में ये पॉसिबल है, ये होता है कि इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम ही मानी जाती है, क्योंकि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सेट ऑफ इंटीजर से मैप करा सकते हैं, इनके बीच में वन 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 टू मैपिंग एग्जिस्ट करा सकते हैं. ठीक है, तो एन और जेड की कार्डिनलिटी हो गई सेम. इसी तरह से अगर हम कोई और एग्जांपल लें के समझना चाहें, अगर हम एक मैपिंग डिफाइन कर दें क्यू से, क्यू पॉजिटिव सेट ऑफ रेशनल नंबर से एन क्रॉस एन के बीच में. ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ये दोनों ही सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर सिमिलर, तो दे हैव द सेम कार्डिनलिटी. तो इनकी दोनों की कार्डिनलिटी सेम है और ये दोनों सिमिलर सेट कहलाएंगे. तो हम मैपिंग का डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं कोई एफ ऑफ पी बाई क्यू टाइप के एलिमेंट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पी क्यू. आप देखेंगे कि आप ये रेशनल नंबर जो है क्यू पॉजिटिव आते रहेंगे और ये ऑर्डर्ड पेयर पूरा एन क्रॉस एन इससे कवर हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया कि एन क्रॉस एन और क्यू पॉजिटिव के बीच में भी वन वन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो हम यहाँ पर एक नोट के तौर पर याद रख सकते हैं इसको कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, या आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर है, या आप कह सकते हैं कि एन क्रॉस एन, या आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स, दे ऑल आर द सिमिलर, इट मीन्स दे हैव ऑल आर द सेम कार्डिनलिटी. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब सिमिलर है, ये मैंने सिमिलरिटी का साइन बना दिया, ये सब सिमिलर सेट है. इसका मतलब ये होगा कि जो कार्डिनलिटी n की है वही कार्डिनलिटी q की है, वही q प्लस की है, वही q की है, वही q माइनस की है, सबकी कार्डिनलिटी इनके सेम है, वही z की है, यप z की है और 2z की भी है, और वही कार्डिनलिटी z की भी है, और वो सबकी कार्डिनलिटी क्या है, एलिफ नॉट. हम इसको एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेट ऑफ ये ट्रांसफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे पास जो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, जो जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था, हमने बताया सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी को हम एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं, ये स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर से छोटा. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं ये इस तरह के काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, इनकी कार्डिनलिटी सेम है, इसका मतलब दे आर सिमिलर. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक नोट यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज ए काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट. ठीक है, कोई भी इनफाइनाइट सेट है उसके पास काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं जेड की और एन की, तो एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, अगर आप कहेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर इज ए सुपर सेट एंड सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ एन सेट ऑफ सबसेट ऑफ जेड. तो इसका मतलब क्या हो गया
कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो विच इज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, उसके पास एक सबसेट है, उसके पास जो सबसेट्स हैं वो भी काउंटेबली इनफाइनाइट ही है। ओके सो एक नोट लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट्स। ओके ये जितने भी हमारे पास काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं उनके पास क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट ही सबसेट भी होते हैं। ओके इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है, चाहे तो दो लाइन का इसका प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक और अगर हम बात करें कि जैसे हमें ये पता है कि 1-1-1-2 मैपिंग एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी। सो अगर हम एक मैपिंग डिफाइन करें एफ फ्रॉम सपोज ए टू बी, ओके एंड ये 1-1 हो, 1-1 होने के लिए क्या कंडीशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन इज लेसर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है ये 1-1 के लिए जरूरी है कंडीशन एग्जिस्ट होने के लिए उसके। ठीक है देन देयर एग्जिस्ट अ सेट एक्स फ्रॉम सबसेट ऑफ बी सच दैट कि ए जो है वो सिमिलर हो जाएगा एक्स के। ठीक है अगर ये 1-1 मैपिंग है इसकी, 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है इसके बीच में, तो बी के पास जो कोडोमेन उसके पास एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करेगा कि वो सेट ए के सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए और सेट एक्स की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी, जबकि ए और बी की कार्डिनलिटी सेम नहीं है। ठीक है ये डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है क्योंकि इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया यहाँ पर, सेम ए कंडीशन एक्स के लिए हो सकती है, लेकिन ए की कार्डिनलिटी लेस होगी तो भी 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट होती रहेगी, डिफाइन होती रहेगा। ठीक है लेकिन ये कह रहा है, ये नोट ये कह रहा है कि अगर हम ऐसा कोई 1-1 मैपिंग डिफाइन करते हैं तो सेट बी के पास एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा एक्स सच डेट कि ए और एक्स दे आर सिमिलर, मतलब ए और एक्स दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी और इन दोनों के बीच में 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी तरह से हम एक और बात समझ सकते हैं कि अगर एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी डिफाइन है इसके बीच में ऑन टू मैपिंग, तो ऑन टू मैपिंग होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो बिगर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी के होने चाहिए, और यू कैन से कार्डिनलिटी ऑफ बी इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इस कंडीशन में। अब ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करें तो ये होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा देर एग्जिस्ट एक जरूर एक मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट करेगी, एक सबसेट एग्जिस्ट करेगा वाई किसका ए का। ठीक है अभी तो इनको इसकी कार्डिनलिटी ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल है, लेकिन एक सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए का कि वो वाई जो एग्जिस्ट करेगा सबसेट वो बी के सिमिलर हो जाएगा, इसके कोडोमेन के सिमिलर हो जाएगा। ओके कोई ना कोई सबसेट तो ऐसा होगा कि जिन दोनों के इन दोनों में बराबर एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे, क्वांटिटी सेम हो जाएगी, और यू कैन से इन दोनों के बीच में 1-1 और मैपिंग ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। ओके तो ये था हमारे पास रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं आगे कुछ इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट सेट हैं तो वे सिमिलर होते हैं। ठीक है मतलब आप ये कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ठीक है कोई भी इनफाइनाइट सेट है तो वो कम से कम अपने एक सबसेट के सिमिलर होगा, मतलब सबसेट ऑफ द सेट इज सेम हैज द कार्डिनलिटी ऑफ बोथ हैज द सेम कार्डिनलिटी। ओके सो यू कैन राइट अ रिजल्ट एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ठीक है भाई हर एक जो इनफाइनाइट सेट होता है वो अपने ही सेट के एक सबसेट के सिमिलर होता है। ठीक है अगर हम इनफाइनाइट की जगह अनकाउंटेबल ले लें तो भी चल जाएगा, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ क्लोज इंटरवल 0-1 अनकाउंटेबल सेट है,
ये सिमिलर होता है भाई 0-1 ओपन इंटरवल 0-1 के. ओपन इंटरवल 0-1 इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0-1 बट दे हैव द सेम कार्डिनलिटी. ओके इवन कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0-1 इज सिमिलर. कार्डिनलिटी ऑफ ओपन इंटरवल 0-1 इज द इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर और सेट ऑफ रियल नंबर. ओके पूरी रियल लाइन जो है वो सिमिलर हो जाएगी. पूरी रियल लाइन मेरा मतलब कहने का ये है कि पूरी रियल लाइन और ये सिर्फ 0 से लेके 1 तक के पॉइंट जितने पॉइंट यहाँ पर हैं उतने ही पॉइंट पूरी आर के अंदर है. मतलब आप 0-1 और पूरे आर के बीच में एक 1-1 और ऑन टू 1-1 और ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करा सकते हैं. ओके सो एवरी इनफाइनाइट सेट और एवरी अनकाउंटेबल सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट. ओके और एक रिजल्ट और भी आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. जो काउंटेबल सेट होते हैं उनके सबसेट भी काउंटेबल होते हैं. हालांकि ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ये अनकाउंटेबल सेट का है तो ये भी ठीक है. लेकिन कोई भी अगर काउंटेबल सेट होगा तो उसका सबसेट भी काउंटेबल ही होगा. जैसे कि आप सेट ऑफ इंटीजर को ले लेते हैं तो उसका सबसेट हम एन ले लेते हैं वो भी काउंटेबल है. ओके सो एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. ओके ये हो गया. अब हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट वैसे हम देख चुके हैं. अगर हम एक और लिखना चाहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. दो काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल ही होता है. ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. ओके फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एन क्रॉस एन. ठीक है ये भी एन काउंटेबल होता है. एन क्रॉस एन भी काउंटेबल होगा. इस तरह से क्यू काउंटेबल होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर तो क्यू क्रॉस क्यू भी काउंटेबल होगा. इस तरह से जेड काउंटेबल होता है तो जेड क्रॉस जेड भी काउंटेबल होगा. ओके नाउ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. रिजल्ट नंबर नेक्स्ट हम इसको 4 नाम दे देते हैं. पता नहीं क्या नंबर होगा. रिजल्ट नंबर नेक्स्ट मान लेते हैं 4. Countable union of countable set is countable. छोटा सा इसका प्रूफ भी है अगर प्रूफ करना चाहें. इज काउंटेबल. ठीक है तो काउंटेबल यूनियन जो होता है काउंटेबल सेट का वो काउंटेबल ही होता है. सो डेट इज इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऐसे लिख सकते हैं अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करके लिखें तो यूनियन ऑफ ए आईज. ओके जहां ये ए आई क्या है काउंटेबल है. सारे जैसे कोई भी सेट है वो काउंटेबल सेट उनका यूनियन ले लिया हमने. आई को वेरी करा देते हैं फ्रॉम आई गोज फ्रॉम 1 to infinity. तो यहाँ कुछ एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे. सपोज हम पहले कोई सेट मान लेते हैं कि इस तरह से कोई ए आई कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे a1i a2i a3i and so on. ठीक है ए एन आई कि आई जो है वो 1 2 3 जैसे जैसे रखते चल जाएंगे तो a1 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 1 a1 2 a3 ऐसे एलिमेंट हमें मिलते चल जाएंगे. तो इसका अगर यूनियन ले लें इन सब का यूनियन ले लें तो कुछ ऐसा मिलेगा a11 a12 a21 a22 लाइक डेट. ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये भी काउंटेबल ही होगा क्योंकि इसको भी हम मैप कर पा रहे हैं. सारे डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं तो मैप कर पा रहे हैं तो ये भी क्या होगा काउंटेबल होगा. सो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट. काउंटेबल सेट का यूनियन निकालते हैं तो वो भी काउंटेबल ही आता है. ओके लेकिन अगर इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं अगर हम इनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो बल्कि नोट में एक चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर लेट ए आईज आर सेट विद
एटलीस्ट टू एलिमेंट। ओके, एआई जो सेट है वो ऐसा है कि उसके पास कम से कम दो एलिमेंट है, एटलीस्ट टू एलिमेंट, देन इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा इस कंडीशन में। देन इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट डेट इज, हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं ए आई, वेयर आई गोज फ्रॉम वन टू इंफिनिटी इज अनकाउंटेबल। ध्यान रखने की बात है कि ये अनकाउंटेबल हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल के मान लें कि एक्स आई डिनोट करता है दो पॉइंट को, ठीक है, तो दो पॉइंट है तो उनके बीच अगर दो पॉइंट भी है, उसको कम से कम उसके अंदर दो पॉइंट, अगर हम उनको सबको मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, इनफाइनाइट तक उसे वेरी करा रहे हैं, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। ओके, इसको हम लिख देते हैं अनकाउंटेबल। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट विच हैव एटलीस्ट टू पॉइंट इज अनकाउंटेबल। ओके, सो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इसको शेयर करते रहें। ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज जो रियल एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हमने बताया था जैसे कि हम आगे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं रियल लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अप्लाइड पार्ट की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीपी, डीसीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, ये सारे के सारे हम पूरा का पूरा कोर्स जो है वो जल्दी आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। सो आप इसके लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ओके, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम कुछ और रिजल्ट की बात करते हैं इसके बारे में, जैसे कि अगर सेट काउंटेबल सेट है, ठीक है, तो अगर कोई भी सेट एस काउंटेबल है तो उस सेट और एन के बीच में एक सर्जेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम एक रिजल्ट के तौर पे इसको लिख सकते हैं समझने के लिए, ऐसे लिख लें कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज एस इज काउंटेबल सेट, सेकेंड हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ सर्जेक्शन N to S, N on to S, there exists an injection of S to N, injection मतलब one one mapping, injection of S into N. ओके, तो ये दे आर सिमिलर स्टेटमेंट है। अगर एस काउंटेबल है तो एस और एन के बीच में काउंटू मैपिंग एग्जिस्ट करेगी और इंजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करेगी एस और एन के बीच में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, अपने एलजेब्रिक नंबर क्या होते हैं, ये भी पूछा जा चुका है इसके ऊपर भी क्वेश्चन, एलजेब्रिक नंबर क्या होते हैं। एलजेब्रिक नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं जो ऐसे पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, और आप कह सकते हैं कि ऐसे पॉलीनोमियल के रूट होते हैं कि जिस पॉलीनोमियल कोएफिशिएंट रेशनल नंबर है, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर अ रियल नंबर ए इज सेट टू बी द एलजेब्रिक ओवर क्यू इफ इट कैन बी रूट ऑफ द पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट। ओके, ऐसा पॉलीनोमियल जिसके रेशनल कोएफिशिएंट्स होते हैं तो वे कहलाते हैं, उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो रूट जो होते हैं वो कहलाते हैं एलजेब्रिक नंबर।
So you can write here simply a real number a, कोई real number a है, is said to be algebraic number, algebraic over Q, Q मतलब set of rational number, if it can be root or solution of polynomial equation with rational coefficient. For example, समझने के लिए क्या होते हैं algebraic number, जैसे under root 2 की बात करें, under root 2 क्या एक algebraic number है, ठीक है, under root 2 एक algebraic number है, क्यों है algebraic number, क्योंकि ये root है किसका, x square minus 2 equal to 0, एक polynomial है, polynomial कैसा है, with rational coefficient, और इसका एक solution है under root 2, ठीक है, so under root 2 is an algebraic number. तो जो भी हमारे पास एलजेब्रिक नंबर होते हैं, अगर जनरल बात करें इसमें, तो वो इस टाइप के फॉर्मेट के मिल जाएंगे. एनी नंबर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म पी, वे पी इज प्राइम एंड इन अंडर रूट पी बाई क्यू, जो इस फॉर्म के नंबर होते हैं ये एलजेब्रिक नंबर होते हैं. ये सब क्या होते हैं, एलजेब्रिक नंबर होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 3 और यू कैन से अंडर रूट और क्यूब रूट ऑफ 5/3, इस टाइप के जो नंबर्स होंगे ये सारे एलजेब्रिक नंबर हो जाएंगे, ठीक है, या आप और लिख सकते हैं 1/4, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं. जो एलजेब्रिक नंबर होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, ठीक है, सो यू कैन राइट हेयर वन नोट विच इज इंपॉर्टेंट, जो एलजेब्रिक नंबर है ये काउंटेबल है. काउंटेबल मतलब फिर से वही बात आती है कि 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी इन नंबर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में, ठीक है. द सेट ऑफ एलजेब्रिक नंबर इज काउंटेबल, ठीक है, ओके. अब हम एक थ्योरम की बात करते हैं. बेसिकली वैसे तो इसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं नेट जेआरएफ का, तो लेकिन हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं. एक थ्योरम है बड़ी इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर आपको जो मैथमेटिकल एनालिसिस की बुक्स है, एनालिसिस की, उसमें ये थ्योरम मिल जाएगी कि जो यूनिट इंटरवल होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 टू, वो काउंटेबल नहीं होता, ठीक है. तो क्या थ्योरम है, थ्योरम है हमारे पास द यूनिट इंटरवल. यूनिट इंटरवल उसको बोलते हैं जिनकी लेंथ 1 होती है, ऐसे इंटरवल जिनकी लेंथ 1 होती है उनको यूनिट इंटरवल कहा जाता है. द यूनिट इंटरवल सपोज क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज नॉट काउंटेबल, ओके. इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है इसलिए हम इसका प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम सिर्फ रिजल्ट्स की बात करेंगे. लेकिन ये अनकाउंटेबल होता है, मतलब नॉट काउंटेबल का मतलब अनकाउंटेबल ही हो जाता है यहाँ पर इसका मतलब. अब हम कुछ और रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज AI कोई अनकाउंटेबल सेट है, तो अनकाउंटेबल सेट का यूनियन लेते हैं, चाहे वो फाइनाइट यूनियन ले या हम इनफाइनाइट यूनियन ले, दोनों ही कंडीशन में वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, ठीक है. तो अनकाउंटेबल सेट बेसिकली कौन से होते हैं, जो काउंटेबल नहीं होते, मतलब जिनके और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच में 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो कहलाते हैं अनकाउंटेबल सेट. जैसे सेट ऑफ रियल नंबर और क्लोज इंटरवल 0 to 2, जितने इंटरवल है सारे अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है.
सो हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि ए आई कोई सेट है, अनकाउंटेबल सेट है, इफ ए आई इज अनकाउंटेबल सेट ये कोई अगर अनकाउंटेबल सेट है और देन द रिजल्ट विच इज इम्पोर्टेंट यूनियन ऑफ ए आई, मैंने बता चुका हूँ कि ए आई क्या है अनकाउंटेबल, वेयर आई गोज फ्रॉम वन टू चाहे तो आप एन तक चलाएं, मतलब इसका कुछ फाइनाइट यूनियन लें एंड चाहे आप इसका इनफाइनाइट यूनियन लें, हम आई को गोज करा देते हैं वन टू इन्फिनिटी एंड ए आई, दोनों ही कंडीशन में ये क्या होंगे अनकाउंटेबल होंगे। ओके दोनों कंडीशन में ये अनकाउंटेबल हो जाएंगे। जो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी इंटरवल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, जो भी इंटरवल्स हमने बता चुके हैं जो इंटरवल्स होते हैं एज ए रिजल्ट आप इसको भी लिख सकते हैं कि एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल, एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल, क्योंकि इंटरवल होते मतलब ये होगा कि दो पॉइंट मिल गए तो उनके बीच में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे। एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल इज, एवरी नॉन एम्प्टी इंटरवल आर अनकाउंटेबल। ओके जैसे मान लिया कोई भी हम इंटरवल लेते हैं, एक पॉइंट ए है एक बी है, इनके बीच में अभी चाहे ओपन हो क्लोज हो इनके बीच में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स और आ जाएंगे, तो जितने भी इंटरवल्स होते हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। ओके तो जैसे हमने क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया, ये अनकाउंटेबल है, सो जो इसका जो इनके सुपर सेट होंगे, जो अनकाउंटेबल सेट के सुपर सेट होंगे वो भी अनकाउंटेबल ही होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर मैं 0 टू 1 या ए टू बी कोई भी ले लेता हूँ, इसका सुपर सेट क्या हो जाएगा आर, तो इसका मतलब जो भी इसका सुपर सेट जब यही अनकाउंटेबल है तो जिसके अंदर ही कंटेंट हो रहे हैं वो भी जाहिर सी बात है वो भी अनकाउंटेबल होगा। सो अनकाउंटेबल जो सेट अनकाउंटेबल जो इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स के जो सुपर सेट होते हैं वो भी अनकाउंटेबल होते हैं। ओके अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि फंक्शंस के ऊपर अगर हमारे पास ऑन टू फंक्शन है इन टू फंक्शन है तो अकॉर्डिंग टू कार्डिनलिटी उन पे क्या उनकी अगर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है डोमेन या कोडोमेन, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो काउंटेबल रह पाएगा डोमेन या नहीं, इस तरह के कुछ रिजल्ट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, अगर जैसे कि हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, ओके और ये ऑन टू फंक्शन है, अगर ये ऑन टू फंक्शन है और हम कहते हैं कि साथ साथ हम लेके चले कि ए क्या है वो काउंटेबल है, A is countable है, ठीक है ये हमने countable मान लिया, तो ये बताएं कि जो B है वो क्या होगा, countable होगा uncountable होगा या finite या क्या कुछ भी, उसके बारे में B के बारे में क्या information है हमारे पास, क्या हो सकता है अगर B के बारे में पूछना चाहे, हमने दे दिया कि on to function है और A countable है, ठीक है तो हमें result कुछ पहले से ही पता है इसके कि अगर हमें हम लिखें कि A, क्योंकि f क्या है f इज ऑन टू फंक्शन है, अगर ये ऑन टू है तो क्या इंप्लाई करेगा कि कार्डिनलिटी ऑफ a जो होगी वो बिगर देन और ग्रेटर देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ b से। अब a को इन्होंने कह दिया काउंटेबल है, ठीक है तो b के बारे में क्या है, a जब काउंटेबल है तो b तो इससे छोटा ही है ना, b तो छोटा है तो b के लिए कंडीशन क्या क्या होगी कि b या तो काउंटेबल हो जाए या फाइनाइट सेट हो जाए, सिंपल ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता कभी भी बी, क्योंकि बी अगर अनकाउंटेबल हो गया तो बी का सुपर सेट ए भी अनकाउंटेबल हो जाएगा जबकि गिवन है कितना काउंटेबल। तो फंक्शन अगर ऑन टू है और जो डोमेन है वो काउंटेबल है तो कोडोमेन को भी काउंटेबल होना पड़ेगा, काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है या फाइनाइट हो सकता है अकॉर्डिंगली। इसी तरह से अगर हम एक और रिजल्ट की बात करें यहां पर कि अगर एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गिविन है और ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है और बी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बी क्या है अनकाउंटेबल है, बी इज अनकाउंटेबल, ठीक है तो ए के बारे में बताना है कि ए का क्या होगा, क्या ए काउंटेबल होगा
क्या ए अनकाउंटेबल होगा, ये क्या कुछ होगा, ए के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन ये है कि ए के बारे में बताएं कि ए काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल होगा क्या होगा। लेकिन हमें ये तो पता है ज़रूर कि अगर ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये होती है कि कार्डिनिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनिटी ऑफ बी। ओके, और बी के बारे में यहाँ कहा हुआ है कि ये अनकाउंटेबल है। जब बी अनकाउंटेबल है तो जो भी अनकाउंटेबल सेट होता है उसका सुपर सेट भी तो अनकाउंटेबल ही होगा ना। ए तो सुपर सेट हो गया बी का, ठीक है। अगर ए काउंटेबल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए काउंटेबल है तो बी को भी काउंटेबल होना पड़ेगा, लेकिन बी तो अनकाउंटेबल की भी ना पहले से ही। तो यहाँ से ये इम्प्लाइज होता है, सिंस बी इज अनकाउंटेबल, यहाँ से इम्प्लाइज होता है कि ए इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल ही होगा, ये कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता, दोनों ही ऑन टू केस हमने डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करें अब वन वन फंक्शन की, अगर हम ये बात करें कि अगर सपोज ये रिजल्ट, इसमें थर्ड पॉइंट है कि एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ओके, और कैसा है वन वन फंक्शन है, और हमें ये पता है कि ए इज काउंटेबल है, तो व्हाट अबाउट बी, कोडोमेन बी के बारे में बताना है, ठीक है। तो काउंटेबल दे दिया, वन वन दे दिया, वन वन के केस में हमें पता है जब फंक्शन वन वन होता है तो ये से क्या इंप्लाइज होता है कि कार्डिनिटी ऑफ ए जो है वो लेसर लेस देन और इक्वल टू होती है कार्डिनिटी ऑफ बी के, ठीक है। ये रिजल्ट हमें पता है, और ए को कह दिया उन्होंने काउंटेबल, ए काउंटेबल है, ठीक है। तो बी के लिए क्या कंडीशन है, बी क्या काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। तो बी काउंटेबल हो सकता है अनकाउंटेबल भी हो सकता है कि भाई ये तो बिगर है, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल से क्या फर्क पड़ेगा। तो बी बी कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि बिगर है भाई, बिगर काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो दोनों ही कंडीशन में फंक्शन हमारा वन वन बना रहेगा। ओके, इसके अपोजिट अगर बी काउंटेबल दे दे पहले से लिख के क्वेश्चन में, अगर मतलब ऐसा हो जाए कि एफ कोई फंक्शन डिफाइन है, फोर्थ पॉइंट, एफ कोई फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, एंड बी क्या है हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, ये सपोज काउंटेबल है। अब बी को काउंटेबल दे दिया तो ए के बारे में पूछा है, व्हाट अबाउट ए, ए क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वन, अच्छा ये भी कह दिया साथ साथ कि ये फंक्शन वन वन है, ठीक है, ये वन वन फंक्शन गिवन है। तो जब वन वन है तो फिर से वही वन वन की कंडीशन में पता है कि वन वन के केस में कार्डिनिटी ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू कार्डिनिटी ऑफ बी के होगा, क्लियर। और बी को कहा है इन्होंने काउंटेबल, जब बी काउंटेबल है तो ए क्या होगा, क्या ए अनकाउंटेबल हो सकता है। जब बी ही काउंटेबल है, बड़ा सेट काउंटेबल है, तो उसके छोटे वाला जो उसके अंदर है वो तो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता ना। तो बी को काउंटेबल कहा गया है, ये काउंटेबल है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि ए क्या होगा, या तो काउंटेबल ही होगा या फिर फाइनाइट सेट होगा। सिंपल, फाइनाइट भी काउंटेबल होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर काउंटेबल का मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं। तो काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है ए, या फाइनाइट हो सकता है, अनकाउंटेबल कभी नहीं होगा। ओके, एक और रिजल्ट हम लास्ट रिजल्ट देख सकते हैं इसमें कि अगर फंक्शन फिर से वन वन हमने ले लिया यहाँ पर, सपोज एफ जो है वो फ्रॉम ए टू बी, ये एक वन वन फंक्शन है, ठीक है, एंड ए क्या है, काउंटेबल सेट है। ए को ले लेते हैं इस बार अनकाउंटेबल, ए इज अनकाउंटेबल। ओके, अनकाउंटेबल है ए, तो बी के बारे में बताना है कि बी कैसा होगा। फिर से वही हमें पता है कि क्योंकि वन वन फंक्शन है तो वन वन में तो भाई ए की कार्डिनिटी लेस देन और इक्वल टू बी के होती है, ठीक है, और बी को कह दिया इन्होंने अनकाउंटेबल, सॉरी ए को कह दिया अनकाउंटेबल, ए अनकाउंटेबल है, ए अनकाउंटेबल है, तो बी क्या होगा। जब छोटा वाला ही अनकाउंटेबल है तो बड़े वाला तो मस्ट बी अनकाउंटेबल, यहां से इंप्लाइज हो जाएगा बी मस्ट बी अनकाउंटेबल, बी मस्ट बी अनकाउंटेबल सेट। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें, हम ये वन बाय वन सारे लेक्चर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, ऐसे मैं बता चुका हूँ, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करते रहें। ओके,
चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का कंटिन्यू करते हैं इससे आगे का पार्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अदरवाइज। ओके ओके, थैंक यू सो मच।